हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लोरिकल्चर विद अबरम। माई सेल्फ अबरम कुमार, रिसर्च स्कॉलर फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग अचानर एंड देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अद्दासे। फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं आज लॉन डेवलपमेंट के पार्ट टू के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे लॉन का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती हैं ताकि लॉन हमारा और भी अच्छा इम्प्रूव हो सके, और साथ ही लॉन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी लॉन डेवलपमेंट का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि लॉन का एस्टेब्लिशमेंट और उसमें सिलेक्शन ऑफ ग्रास किस तरह से करते हैं, पूरी फुल डिटेल वीडियो है, प्लीज जाके उसे पहले देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कम टू द फर्स्ट स्लाइड, मेंटेनेंस ऑफ लॉन। वंस द लॉन हैज एस्टेब्लिश्ड, इट नीड मेंटेनेंस टू रिटेन द टेक्सचर ऑफ द टर्फ एंड इट्स यूनिफॉर्मल कलर। द लॉन इज रेग्ड, एरिएटेड एंड ट्रॉप ड्रेस्ड विद फर्टिलाइजर्स एंड कीप वीट फ्री। Since it is the focal point of any landscape design, an improperly cared and badly maintained lawn can spoil the beauty of the complete garden. फ्रेंड्स, जब हमारा लॉन जो होता है इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके बाद उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारा जब लॉन स्थापित हो जाता है तो उसके रखरखाव की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, टर्फ के बनावट और उसके एक समान रंग को बनाए रखने के लिए लॉन को कसा हुआ, वातित और उर्वरक के साथ तैयार किया गया होना चाहिए, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि खरपतवार रहित होना चाहिए। फ्रेंड्स, लॉन जो होता है वो किसी भी लैंडस्केप का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है। यदि अनुचित तरीके से लॉन बनाया जाता है तो वो पूरी तरीके से किसी भी गार्डन की सुंदरता को बिगाड़ सकता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेंटेनेंस ऑफ लॉन में कौन कौन से प्रैक्टिसेस को किया जाता है। तो मेंटेन लॉन के मेंटेन को रखने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस जो होती है वो लॉन रोलिंग होती है, ठीक है। सेकंड होती है मूविंग होती है, थर्ड मैन्योरिंग है, फोर्थ आपका स्क्रैपिंग है, फिफ्थ आपका रैंकिंग है, और सिक्स आपका वाटरिंग, एंड लास्ट इज वीडिंग होता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, lawn rolling. The objective of rolling is to help the grasses anchor itself securely and also to keep the surface level. मतलब कि रोलिंग का उद्देश्य घास को सुरक्षित तरीके से सहारा प्रदान करना और सतह को समतल बनाए रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोलिंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन द सॉइल इज वेट। मतलब कि जब जमीन गीली होती है तब उस टाइम रोलिंग को अवॉइड कर देना चाहिए, मतलब उस टाइम रोलिंग नहीं करनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, After the first shower of rain, roller thoroughly with medium roller both ways to make the level correct. The lawn should be rolled after every weeding or at weekly interval. फ्रेंड्स, जो बारिश की पहली बौछार होती है, मतलब जब पहली बार पानी बरसता है, तो स्तर को सही करने के लिए दोनों तरह से मध्यम रोलर के साथ रोल करना चाहिए लॉन को, जिससे कि हमारा जो लेवल होता है वो मेंटेन हो जाता है। लॉन को प्रत्येक निराई के बाद या साप्ताहिक अंतराल पे रोलर की प्रक्रिया करनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, मूविंग। मूविंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन। The first thing is to obtain a good machine which will cut evenly at a correct height. The frequency of moving is determined by the amount of growth and will vary from season to season. But grass should not be allowed to grow more than 5 to 6 cm in length during any season. फ्रेंड्स, जो घास की कटाई करना होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन होता है। इस कटाई के लिए सबसे पहली चीज एक अच्छी मशीन होनी चाहिए जो एक समान ऊंचाई पर समान रूप से कटाई करे। फ्रेंड्स, जो घास की कटाई की जाती है वो उसके ग्रोथ के ऊपर की जाती है और उसके सीजन के अकॉर्डिंग की जाती है। डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप से डिफरेंट इंटरवल्स पे मूविंग की जाती है और उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो अब उसकी हम लोग कटाई करते हैं। फ्रेंड, जो होता है इसकी ग्रोथ के बारे में बात करें तो फ्रेंड, जो कटाई करती चीज़ें घास को 5 से 6 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ने की ये अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब जो 5 से 6 सेंटीमीटर से जैसे ही ज़्यादा बढ़े आपको तुरंत ही मूविंग करना चाहिए, यानी कटाई करनी चाहिए घास की। Come to the next slide, sweeping. Sweeping the lawn thoroughly after each moving is essential to clean the cut grasses which might have fallen from the mover box.
फ्रेंड्स स्वीपिंग प्रैक्टिस जो होती है वो प्रत्येक घास कटने के बाद लॉन को अच्छी तरह से साफ करने को कहते हैं। कटु ही घास को साफ करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसमें जो घास की कटाई के बाद जो घास होती है वो गिर जाती है, उसको इसके थ्रू साफ किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्वीपिंग इज ऑल्सो डन एवरी मॉर्निंग टू क्लीन द फॉलोइंग लीव्स एंड अदर डेब्रीज। फ्रेंड्स स्वीपिंग गिरी हुई पत्तियों और अन्य मलबों को साफ करने के लिए हर सुबह की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्वीपिंग में हैव टू बी रिपीटेड 2 or 3 times इन अ डे ड्यूरिंग द सीजन व्हेन द डिसीड्यूस ट्री शेड देयर लीव्स। फ्रेंड्स जब पतझड़ का समय आता है तब ये स्वीपिंग की प्रक्रिया दिन में 2 या 3 बार करते हैं, जिससे कि हम अपने लॉन को क्लीन रख सकें। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्क्रैपिंग एंड रैकिंग। कॉन्टिन्यूस रोलिंग ट्रेंडिंग एंड मूविंग मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हेड क्रस्ट एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लॉन मे गेट मेटेड एंड वुडी। फ्रेंड निरंतर रोलिंग ट्रेंडिंग और घास की कटाई के परिणाम स्वरूप एक कठोर परत का निर्माण हो जाता है और लॉन के निचले हिस्से पे एक उलझी हुई और वुडी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर मूविंग सच लॉन्स द ग्रास इज स्क्रैप्ड एट द ग्राउंड लेवल विद द हेल्प ऑफ खुरपी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। फ्रेंड्स इस तरह के लॉन में घास को अप्रैल और मई के महीने में खुरपी की मदद से जमीनी स्तर पर खुरच दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्क्रैपिंग इज फॉलोड बाय रैकिंग टू ब्रेक द क्रस्ट। मतलब कि फ्रेंड्स इस तरह के जो लॉन होते हैं उसके क्रस्ट को तोड़ने के लिए रैकिंग के बाद स्क्रैपिंग किया जाता है। वेयर द कंडीशन ऑफ द लॉन इज गुड हार्ड एंड थ्रूली रैकिंग इज डन बोथ वेज टू लूज द ओल्डर रनर्स एंड टू एरेट द सॉइल। देन द मूवर ब्लेड इज लोअर्ड एंड द ग्रास मूव्ड क्लोज टू द ग्राउंड। फ्रेंड्स इसमें होता यह है कि जब लॉन की कंडीशन अच्छी होती है और वो हार्ड में होता है तब उस तब रैकिंग की मदद से उसमें जो ओल्डर रनर्स होते हैं जो मतलब गुच्छे का आकार लेके अंदर जकड़ा जाल बना लेते हैं उनको तोड़ा जाता है और एरिएशन के लिए सॉइल को हल्का सा स्क्रैच कर दिया जाता है जिससे कि उसमें एरिएशन मिलता रहे। फिर उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मूवर होता है उसके ब्लड्स को एकदम बॉटम पे कर देते हैं, उसके बाद एकदम लोअर स्टेज से हम उसकी मूविंग करते हैं यानी कटाई कर देते हैं जिससे कि हमारे जो ये वो गुलछे हुए क्रस्ट होते हैं वो सब हमारे सॉल्व हो जाते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आफ्टर स्क्रैपिंग और रैंकिंग अ कंपोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ गुड गार्डन सॉइल कोर सैंड एंड लीफ मोल्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:1 इन सेपरेट ओवर द लॉन टू द डेप्थ ऑफ 3 to 5 centimeters to cover to such a depth of 100 kg of compost per 100 square meter will be needed. Bone meal is also applied at the rate of 1 kg per 10 square meter. The same compost is used as top dressing again during September to October, from October to April. Ammonium sulfate is applied once every month at the rate of 1 kg per 50 स्क्वायर मीटर एरिया फॉलोड बाय वाटरिंग। फ्रेंड्स स्क्रैपिंग या रैंकिंग के बाद एक खाद जिसमें अच्छे गार्डन की मिट्टी मोटे रेत और लीफ मोल्ड में 1:2:1 के अनुपात में लॉन में फैलाया जाता है। इसे 3 to 5 centimeters की गहराई तक फैलाया जाता है। इतनी गहराई तक कवर करने के लिए प्रति 100 वर्ग मीटर में 100 किलो खाद की जरूरत होती है। बोन मील को भी 1 किलोग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें लॉन में डाला जाता है। सितंबर से अक्टूबर के दौरान फिर से उसी खाद का उपयोग ट्रॉप ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। अक्टूबर से अप्रैल तक अमोनियम सल्फेट को हर महीने 1 किलोग्राम प्रति 50 वर्ग मीटर के हिसाब से खेत में मतलब सॉरी लॉन में दिया जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेड कंपोस्ट इन लिक्विड फॉर्म इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर लॉन। दिस इज प्रिपेयर बाय द फर्मेंटिंग 20 kg ऑफ कंपोस्ट इन 100 लीटर ऑफ वाटर फॉर अ फ्यू डेज। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट एट द रेट ऑफ 1 kg एंड 2 kg आर एडेड टू दिस मिक्सचर। द कंसेंट्रेटेड मिक्सचर इज स्ट्रेन्ड थ्रू गनी क्लॉथ एंड डाइल्यूट टू टी कलर एंड एडेड टू द लॉन विद वाटर कैन ओ आर बाय siphoning. After the application, the lawn is soaked with water. This can be applied twice a year. Raw cow dung may be fermented and used in the same way.
फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, फर्मेंटेड कंपोस्ट को लिक्विड के फॉर्म में देने से भी लॉन के अंदर बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए 20 किलोग्राम कंपोस्ट को 100 लीटर पानी में मिला के छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, और जब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था तो उस टाइम अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट को 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम की मात्रा ऐड कर देते हैं और उसको मिला देते हैं। फिर ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो कंसंट्रेटेड मिक्सचर होता है उसको गनी क्लॉथ के थ्रू ये छान लेते हैं और उसका कलर जो होता है वो टी के कलर के थ्रू आ जाता है। फिर ठीक है, इसको फिर उसको वाटर कैंस या साइफनिंग के थ्रू लॉन में दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जब इसको हम खाद को दे देते हैं, उसके बाद हम अपने लॉन में जो होता है मतलब कि इरिगेशन प्रोवाइड करा देते हैं। लॉन में इरिगेशन का जो मेथड है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। और इस प्रोसेस को आप साल में 2 बार कर सकते हैं, एक बार तो अक्टूबर के महीने में आप कर दीजिए, दूसरी बार आपका मई या जून में कर दीजिए। ठीक है, आप इस टाइम कर सकते हैं। इसी तरह से जो बच्चा गाय का गोबर होता है उसको भी इसी तरह से फर्मेंटेड करके उसको यूज कर सकते हैं। To the next slide, irrigation. Dub grass is shallow rooted and therefore frequently light irrigation is better than copious flooding after long interval. Here again, some people prefer flooding at long interval as they save levers. Levers as well as water can be saved to a considerable extent if irrigation, sprinkler irrigation is used. The frequency of irrigation varies with the climate. Stagnation of water should not be allowed as it may kill the grass. फ्रेंड्स, हमारी जो दूब घास होती है वो बहुत ही सैलो रेटेड यानी उथली जड़ वाली घास होती है जिसको लाइट इरिगेशन की जरूरत होती है एज दी कंपेयर देन फ्लड इरिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें यहाँ पे कुछ लोग अभी भी फ्लड इरिगेशन को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं क्योंकि उसमें जो होता है लेबर की बचत हो जाती है। अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं फ्रेंड्स, अगर अपने लॉन में इरिगेशन के लिए, तो उस टाइम हमारी लेबर और जो वाटर होता है दोनों की ही बचत हो सकती है। और फ्रिक्वेंटली इरिगेशन जो होता है हमारा वो क्लाइमेट के ऊपर वेरी करता है। ठीक है, और जो हमारा लॉन होता है उसमें हमको कभी भी पानी की रुकने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, मतलब कि उसको निकलने की हमेशा व्यवस्था बना देनी चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर हमारा पानी रुक जाएगा तो हमारी जो घास होती है वो मर सकती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वीडिंग। वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस इज द कंट्रोल ऑफ वीड्स। Without close attraction or care, a time will come when weeds will overcome the lawn grass. The lawn soil will become sick. Friends, weed को control करना एक बहुत ही important aspect होता है maintenance का। अगर हम close attraction और proper care नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी जो घास होगी वो हमारी lawn घास से भी बड़ी हो जाएगी और हमारी जो soil होगी वह बहुत ही बीमार यानी सिक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, वीड इज कॉमन इन बोथ न्यू एंड ओल्ड लॉन्स। देयरफोर एज सून एज लॉन इज एस्टैब्लिश्ड, वीडिंग शुड स्टार्ट एंड कंटीन्यूअस एट रेगुलर इंटरवल्स और व्हेनेवर द वीड्स कम आउट। फ्रेंड्स, जो खरपतवार होते हैं वो नए और पुराने दोनों लॉन में आम होते हैं, इसलिए जैसे ही लॉन स्थापित होता है निराई गुड़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए और नियमित अंतराल पर करते रहना चाहिए या फिर जब तक खरपतवार ना निकले तब तक जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द नट ग्रास और चेक मोथा साइप्रस रोटेंडस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वीड टू इरेडिकेट बिकॉज ऑफ इट्स डीप रूट सिस्टम। दिस शुड बी रिमूव विद द रूट एज डीप एज पॉसिबल विद अ लॉन्ग नैरो ब्लेडेड खुरपी। ऑल वीड शुड बी रिमूव विद द रूट्स एंड दिस शुड नेवर बी अलाउड टू सीड। फ्रेंड्स, जो हमारा नट ग्रास होता है जिसको हम मोथा के नाम से भी जानते हैं, साइप्रस रोटेंडस, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसकी जो रूट सिस्टम होता है वो डीप रूटेड सिस्टम होता है। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं। अगर एक बार हो जाता है तो आप इसको ऊपर से सोच लेंगे हटा के इसको रिमूव कर देंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको जो नैरो ब्लेडेड खुरपी आती है जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है बस, उसको उसकी मदद से आप जितने अंदर तक उसकी जड़ को खोद सकते हैं उतने अंदर तक खोदना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी जड़ रह जाएगी तो ये बार बार वहां से ग्रो होता रहेगा। इसलिए इसको फुल्ली रिमूव किया जाता है, इसकी डीपेड रूट सिस्टम को पूरा निकाल के फील्ड से फेंक दिया जाता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रकार का आपके यहाँ लॉन में वीड जमता है तो उसको रूट सहित ही उखाड़ के फेंकना चाहिए और उनको कभी भी उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए जहां पे वो अपने फ्लावरिंग के बाद बीज बना पाएगा। उन्होंने वहां से अपने बीज बना लिए तो वहां पे उनके बीज गिर जाएंगे लॉन में और
आप वहां से कभी भी आपको वो वीट को खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए वहां से उसको कभी भी फ्लावरिंग स्टेज के बाद सीड बनने नहीं देना चाहिए। यानी मेरे तो हमेशा टाइमली अगर आप मूविंग करते रहेंगे तो वीट तो कभी अपने आप ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉब्लम इन लॉन्स। फ्रेंड्स जो लॉन्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें सबसे पहले जो होता है वो हमारा क्लोरोसिस होता है। इसमें जो होता क्या है, इसमें ग्रास जो होती है वो येलो कलर की हो जाती है, उसमें उसका कलर जो चेंज हो जाता है हरे से येलो कलर का हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, वो मैग्नीशियम और आयरन की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन का हम जो होता है फ्लेवरस सर्फेस को 25 ग्राम 10 लीटर पानी में डिजोल्व करके 100 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग स्प्रे करते हैं। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम को हम मैग्नीशियम सल्फेट का 100 ग्राम लेके 10 लीटर पानी में घोल के 100 मीटर स्क्वायर में छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से अगर हम छिड़काव करेंगे तो उसमें क्लोरोसिस चला जाएगा, हमारे लॉन में क्लोरोसिस सबसे ज्यादा लगता है। फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो इम्प्रॉपर मूविंग है। इसमें होता क्या है, लॉन में जो हम घास लगाते हैं उसको बहुत ही ज्यादा पास से कटाई कर देते हैं, जिस वजह से वो पीली पड़ जाती है। तो फ्रेंड इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसके कंट्रोल के लिए जब भी हम घास को काटे उसको 1/3 पार्ट से ज्यादा नहीं काटना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है वो इम्प्रॉपर वाटरिंग है। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत ही ज्यादा पानी उसको दे दिया जाता है और हमारी सैलो रूटेड घास लगी होती है, जैसे दूब घास है हमारी सैलो रूटेड है, जब उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप फ्लड इरिगेशन कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें वहां पे ओवर वाटरिंग की वजह से वहां पे जो हमारी घास होती है वो खराब होने लगती है। तो इसलिए इसके कंट्रोल के लिए जो हमारा वाटर होता है वो स्प्रिंकलर के थ्रू देना चाहिए, और वाटर को जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ पे देना चाहिए। फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लांट प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइट एंट्स जो होती हैं ये सबसे ज्यादा हमारे लॉन में पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो अपना घर बनाती हैं उसके चारों तरफ एक टीला नुमा बना लेती हैं, जिसकी वजह से देखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है लॉन, और ये अंदर ही अंदर रूट्स को भी डैमेज करती हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए हम जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें लिंडेन धूल का 0.3% का छिड़काव करते हैं। सेकेंड नंबर पर जो है हमारा कटवॉर्म्स आते हैं। कटवॉर्म्स जो होते हैं हमारी मिट्टी की सतह के पास घास के तने को हटा देते हैं, जिससे मृत धब्बे पैदा हो जाते हैं, जिससे डेड स्पॉट दिखने लगते हैं। इसके भी कंट्रोल के लिए हम लिंडेन की 1.3% धूल का ही उपयोग करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारा जो आता है वो ग्रब्स आते हैं। ये क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी जो घास होती है उनकी रूट्स को ये खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राउन कलर के पैचेस पड़ जाते हैं हमारे लॉन्स में। इसके भी कंट्रोल के लिए लिंडेन 1.3% डस्ट का उपयोग करते हैं। उसके बाद जो होता है वो हमारा लीफ हॉपर आता है। ये क्या काम करता है, ये हमारे पत्तों से तनों से जो पौधों का रस होता है सैक होता है उसको चूस लेते हैं, जिसकी वजह से ये पहले तो पत्तियां इनके जो होते हैं ये येल्लो पड़ती हैं, उसके बाद ये ब्राउन लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके स्प्रे के लिए डाइमिथ्यूए 2 ml/L के हिसाब से स्प्रे करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। इसके बाद जो आता है वो हमारा निमिटोड आता है। निमिटोड क्या होते हैं, ये रूट्स को अफेक्ट करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए फ्रेंड्स फ्यूराडॉन 40 ग्राम/m² का स्प्रे किया जाता है। फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, येलोइंग ऑफ लॉन। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये हमेशा बरसात के मौसम में होता है, यह पानी के अधिक भराव के कारण हो जाता है, या फिर ये इसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब ये होता है। और इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें नाइट्रोजन की डिफिशेंसी हो जाती है और गार्डन की जो सॉयल होती है वो बहुत हार्ड होता हो जाती है, जिस वजह से जो हमारी रूट्स होती हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, लूजिंग ऑफ सॉयल विद द हेल्प ऑफ खुरपी, मतलब खुरपी की सहायता से जो होता है हम सॉयल को लूज कर देते हैं, जिससे ताकि उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जा सके। और फिर इसके कंट्रोल के लिए ड्रेंचिंग विद दी COC और डाइथेन M45@3 g/L और Bavistin 1 g/L का स्प्रे करते हैं। फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, फ्रॉस्ट इंजरी। फ्रेंड इसमें होता क्या है, ठंडे एरियाज में जब लॉन बनाया जाता है वहां पे ये फ्रॉस्ट की वजह से हो जाता है इसमें। तो इसके कंट्रोल के लिए जो होता है स्प्रेइंग ऑफ वाटर इन एवरी इवनिंग एंड अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर द फ्रॉस्ट, मतलब फ्रॉस्ट के पड़ने से पहले और बाद में हमको जो होता है लाइट इरीगेशन कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज थैचिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉ लाइट लेयर्स ऑफ डेड स्टेम लीव्स एंड रूट्स ऑफ ग्रासेस इज कॉल्ड
थैचिंग मैनेजमेंट इट कैन बी कंट्रोल बाय मैनुअल रिमूविंग। फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, जो डेड सेल्स होती हैं, स्टेम होती हैं, लीफ होते हैं और रूट्स होते हैं ग्रासेस के, वो आपस में मिलके एक गुच्छानुमा एक संरचना बना लेते हैं जिसको हम थैचिंग कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए भाई इसमें हमको अपने हाथों से ही या खुरपी से या स्क्रैपर की सहायता से इसको रिमूव किया जाता है। जब ये ऊपर आ जाती है तो इसको हटा दिया जाता है, तो इसका जो कंट्रोल है वो मैनुअल ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि लॉन का मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके बारे में हमने फुल डिटेल बात की। तो फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने लॉन का एस्टेब्लिशमेंट और उसका सिलेक्शन ऑफ ग्रास के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।